रजनी बाला की शहादत ने जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज कश्मीर घाटी में सर्व कर रहे थे उनके दिलों में दहशत भर दी। जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज जम्मू जो कश्मीर में काम कर रहे थे वो जम्मू वापस आ गए और इस समय आप देख सकते हैं कि मैं अंबेडकर चौक में हूँ। यहाँ पर जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज को प्रदर्शन करते हुए लगभग एक हफ्ता हो गया है। मांग केवल ये कि हमें ट्रांसफर कर दिया जाए। हालांकि केंद्रीय गृह मंत्री ने भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी रिपीटेड अश्योरेंसेस दी हैं कि आपकी सिक्योरिटी को इंश्योर किया जाएगा, सेफ जोन्स बनाए जाएंगे, वहां पर आपको पोस्ट किया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जितने भी जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज से अलग अलग लोगों ने बात की, हमने भी जब बात की, तो उनका ये कहना है कि हम कश्मीर घाटी में ऐसे हालात में सर्व नहीं कर सकते जिन हालातों में राहुल भट्ट को उसके वर्क प्लेस पर टारगेट किया जाता है, रजनी बाला को जहां पर काम करती थी, जहां पर पढ़ाती थी वहां पर टारगेट किया जाता है, विजय कुमार को वो जहां पर काम कर रहे थे, जहां लोगों की सेवा कर रहे थे वहां पर टारगेट किया जाता है। ऐसे में हम एक टीचर हैं, हम एक मुलाजिम हैं, हम कैसे कश्मीर घाटी में सर्व कर सकते हैं? तो आप मेरे साथ यही जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज हैं, इन्हीं से जानते हैं कि जो ट्रांसफर की मांग बार बार कर रहे हैं ये आखिर सुनी क्यों नहीं जा रही। आपका नाम? मुझे ये बताएं कि जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज लगभग कितने जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज हैं जो कश्मीर घाटी में सर्व कर रहे थे? तकरीबन 4000 मुलाजिम है, जो लगभग 4000 के करीब मुलाजिम है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट में लगा है वहाँ पर। और इनकी जो मसला है ये ट्रांसफर की जो बात है ये कोई आज से नहीं चल रही है, ये तो मैं कहूँगा एक स्पॉन्टेनियस एक्शन हो गया। लेकिन हम पिछले बहुत वक्त से जो है ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, लेकिन आज की स्थिति में जैसे सुरक्षा के हालात वहाँ बने हैं, आज कोई भी मुलाजिम वहाँ जाकर काम करने को तैयार नहीं है। जैसे हालात कश्मीर में हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि माइनॉरिटीज़ की बात है, वहाँ पर कोई भी सुरक्षित नहीं है। सरकार क्या कर रही है, सरकार का आगे क्या सोच है उनकी, वो उन तक है। हम जब एजिटेशन में बैठे हैं तो हम एक मकसद को लेकर बैठे हैं। हम बहुत देर तक, मैं ये कहूँगा कि हम सोए रहे, हमने बहुत कोशिशें की, लेकिन मानते हैं जिस समय सुपिंदर कौर को टारगेट किया था, दीपक चंद को टारगेट किया गया था, उस समय से ही जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज है उनमें डर का माहौल तो बैठ गया था, वो चाहते थे कि वो वापस ला आ जाए। बिल्कुल, मुझे लगता है सरकार को उसी वक्त सबक लेना था कि अगर एक सुपिंदर कौर है तो दूसरा भी कोई हो सकता है। लेकिन न जाने ये कौन सी ताकतें हैं जो उन्होंने वहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। सरकार अपनी जगह है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सरकार कोशिश नहीं कर रही होगी, कर रही होगी, लेकिन जैसा डर अब हमारे जहन में बैठ गया है, मुझे लगता है हाल फिलहाल में कोई भी मुलाजिम यहाँ से कश्मीर में जाकर काम करने को तैयार है। जो हत्याओं का सिलसिला शुरू हुआ है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। रोज़ बरोज जो खबरें देखते हैं वहाँ पर, कभी किसी बैंक मैनेजर को मार डालते हैं, कभी किसी टीचर के पे हमला किया, कभी नॉन लोकल्स पे अटैक किया जाता है। तो मुझे लगता है ये जो सिलसिला है ये रुक नहीं रहा है। ये सिलसिला जब तक नहीं रुकेगा तब तक मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई ऐसे हालात या कोई तैयार है वहाँ जाने के लिए। जिन हालात में हम वहाँ से निकले हैं वो एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन थी। लेकिन आपसे समझना चाहूंगी कि जिस समय आपकी नौकरी लगी थी वहां पर और आप सर्व करने के लिए कश्मीर घाटी गए थे, तब भी आपको मालूम था कि कश्मीर में किस तरीके का माहौल है, कश्मीर में काम करना कितना अनसेफ हो सकता है, उसके बावजूद भी आप लोग वहां पर गए, तो अभी अचानक से ट्रांसफर की मांग क्यों? देखो, ट्रांसफर की मांग अचानक से नहीं है, मैं आप इसको मैं करेक्ट कर दूं, ये अचानक से बात नहीं है। अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट होती है तो इंटर डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर पॉलिसी होनी जरूरी है। चलो ठीक है, मान लिया हमने कि सुरक्षा है, मान लिया हमने, तो क्या एक मुलाजिम का यह हक नहीं बनता कि उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर हो? क्या हमने सारी जिंदगी वही देना है? आज की बात नहीं है, यह आप बहुत अरसे से गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं, हमने बहुत हायर अथॉरिटीज को भी अप्रोच किया कि भाई एक ट्रांसफर पॉलिसी लाइए। लेकिन जो अचानक से हालात बदले हैं, मुझे नहीं लगता इस वक्त सरकार हमारे लिए क्या सोच रही है। ट्रांसफर एक मुलाजिम का हक है, एक मुलाजिम की सर्विस क्वालिफाइंग सर्विस जो होती है वो 20 साल है, 15 साल हमें हो गए, 10 साल 5 साल कितने वक्त देंगे? ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता है इनमें से कोई या हम में से कोई वहाँ जाके काम करने को तैयार है। सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस वक्त ये जिंदगी का मसला है, ये कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, कभी कश्मीरी पंडित है, कभी डोगरा है, मुझे हमें उसके साथ लेने में एक बात आपके साथ एक और क्लियर दूँ बात, हम किसी भी रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का हिस्सा नहीं। अगर गवर्नमेंट को रिहैबिलिटेट करना करें, जिनको करना करें वो तो कश्मीरी पंडित उनके लिए भा, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ, मैं आपके मेरे को बहुत सारे मीडिया चैनल्स में यहाँ सब चला जी, ये रिहैबिलिटेशन पॉलिसी का हिस्सा है, ये उन्होंने वहाँ पे एफिडेविट दिया है, एक बॉन्ड साइन करके दिया, वैसा हमारे साथ कुछ नहीं है। लेकिन आपको ना एक डिस्ट्रिक्ट में कोई वैकेंसी थी, उस वैकेंसी के अगेंस्ट जो है जो कोटा बनता था, रिजर्वेशन बनती थी, उसके अगेंस्ट आपको लगाया गया है। अब वो वैकेंसी उसी डिस्ट्रिक्ट में थी तो उसी डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है। ऐसे में क्या समझते हैं कि इस समय अगर आपको शिफ्ट किया जाता है तो उन एरियाज में फिर सर्व करने के लिए कौन जाए? देखिए, ऐसी बात नहीं होती है, डिस्ट्रिक्ट का ये कैडर सिस्टम ऐसा है नहीं। यहाँ स्टेट से यूटी बन गई, 370 हट गया, 35A हट गया,
तो ये कैडर सिस्टम, ये कौन सी पत्थर के लिखी है जो मिट नहीं सकती। और मैं नहीं मानता कि किसी एक मुलाजिम की ज़िंदगी से बड़ा कोई कैडर सिस्टम होता है। इस वक्त ये ज़िंदगी का मसला, ये इंसानियत का मसला है। आपका नाम? जी मैम, मेरा अंजना नाम है। मुझे बताएं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जब कश्मीरी पंडित कश्मीर में प्रोटेस्ट कर रहे थे, 12 दिन लगाए लेकिन उनसे मिलने के लिए गए, आप लोगों को भी प्रदर्शन करते हुए लगभग एक हफ्ता हो चुका है, क्या कोई आला अधिकारी आपसे मिलने के लिए आया, आपको अश्योरेंस देने के लिए आया कि आपको आपकी सुरक्षा इंश्योर करेंगे हम, या आपको ट्रांसफर किया जाएगा, या आपको कश्मीर घाटी में कोई सेफ लोकेशन पर शिफ्ट किया जाएगा, कोई अश्योरेंस मिली किसी से? नहीं मैम, वहां से कोई हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया है हमें ये आश्वासन देने कि आपके लिए वहां पर पूरी सुरक्षा की जो वो व्यवस्था की जाएगी, आप वापस जाइए। कोई उनकी तरफ से हमारे लिए कोई भी ऐसी जो एक संपत्ति है वो हमारे लिए नहीं आई है। मुझे बताएं कि जिस समय रजनी बाला की किलिंग हुई उसके कितने समय के बाद आप निकलकर जम्मू आ गए, या इमीडिएटली जैसे आप तक खबर पहुंची कि वहां पर इस तरीके से हादसा हो गया है उसी के इमीडिएटली बाद आप निकल कर आ गए? जी मैम, एक्चुअली जब ये कश्मीरी जो हमारे भाई थे राहुल भट्ट जी, जब इसकी डेथ हुई है, इसकी किलिंग हुई है, तो उसके बाद भी जो हमारे इम्प्लॉयज थे उन्होंने जाना कंटिन्यू रखा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स पे। वहाँ पर कश्मीर पूरे डिवीज़न में हमारे जो इम्प्लॉयज़ हैं जम्मू बेस्ड डोगरा वो फैले हुए हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी को कंटिन्यू रखा है। तो लेकिन जब ये हमारी जो एक बहन थी रजनी जी, जब इसकी किलिंग हुई है, तो उस दिन जब हमने ये न्यूज़ सुनी तो हम बहुत ही उसकी न्यूज़ सुनकर ये शॉक्ड रह गए हैं कि अब तो जो डोगरा इम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी ऐसा होने लगा है। तो हम फिर वहाँ से निकल आए, हमने फिर वहाँ से निकलना ही बेटर समझा कि अब हमें जाना ही है जम्मू वापस। अब वहाँ पर काम, आप किस डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही? जी मैम, मेरी कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, मैं एज ए टीचर वहाँ पर पिछले 15 साल से रह रही हूँ। तो एज ए टीचर जॉब जो मुझे मिली है वो पिछले 15 साल से मैं ड्यूटी दे रही हूँ। परिवार भी आपका आपके साथ वहीं पर है? फैमिली वहाँ पर है मैम। लेकिन कभी देखो, मैं एक मैसेज और यहाँ से देना चाहूँगी कि कभी हमारे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हम अगर पिछले 15 साल से रह रहे हैं तो सब कुछ ठीक था, तो रह रहे थे कुछ कभी, मतलब कि यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरा यहाँ कोई भाई बहन कुछ ऐसा कहेगी कि वहाँ हमारे साथ कुछ हरास हमें किया गया। क्योंकि कुछ मीडिया वाले पहले हमें पूछ रहे थे कि हिंदू जो वहाँ इम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ हरासमेंट की जाती है, हमने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है वहाँ पर। तो लेकिन बस ये जो हालात बने हैं ना, बस इसको देख कर ही हम थोड़े से घबरा गए, डर गए। तो चलो फिर भी गवर्नमेंट अगर हमें इंश्योरेंस देती है कि सिक्योरिटी देते हैं, चले जाओ, जैसे मेरे एक भाई ने कहा, हम चले भी जाएं वापस। लेकिन क्या आपको, आप मीडिया वाले बताओ, क्या आपको नहीं लगता है कि हमारे लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए? क्योंकि देखो, जो जब हमारी ये आर्टिकल 370 एब्रोगेशन हुई थी इसकी, तो लद्दाख को इन्होंने अलग यूटी डिक्लेयर किया था, तो जम्मू कश्मीर को अलग किया था। तो लद्दाख में जो हमारे जितने भी इम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पर जम्मू कश्मीर, जम्मू के या कश्मीर के, उनकी अगर ट्रांसफ़र हुई है वापस अपनी होम डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ पर इस जम्मू कश्मीर यूटी में ये चीज़ें क्यों नहीं लागू कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब से अब आप प्रदर्शन पर आए हैं या अपने अपने डिपार्टमेंट से, अब आप काम करने के लिए तो नहीं जा रहे हैं, डिपार्टमेंट की तरफ से कोई प्रेशर आ रहा है, कोई कॉल आ रही है कि आप वापस आएं, आप ज्वाइन करें, नहीं तो आपके खिलाफ ही एक्शन लिया जाएगा या वो एक्शन लिया जाएगा? डिपार्टमेंट जो है टाइम टाइम कुछ ऑर्डर निकाल रहा है, लेकिन जो हमारी अथॉरिटी है, क्योंकि वो भी चाहे वो सीओ साहब हैं चाहे वो डायरेक्टर साहब हैं, वो भी बाउंड हैं, क्योंकि उनको जो हायर अथॉरिटी से ऑर्डर आएगा उनको मानना ही मानना, वो भी हमारी तरह स्लेव ही हैं, क्योंकि अगर हमको उनका ऑर्डर मानना उनको भी मानना है। लेकिन ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, जैसे 31 को हमारी बहन की डेथ होती है, उसके बाद हम सब ने डिसाइड किया हम क्रीमेशन पे जाएंगे, 10th डे पे जाएंगे, दूसरे दिन गवर्नमेंट ऑर्डर निकाली बायोमेट्रिक। जब गवर्नमेंट को पता है कि सारा मुलाजिम जम्मू चला गया है, तो ये जानबूझ के एक डिस्क्रिमिनेटरी एक्ट जो है वो बना रही है। इसी के अलावा कुछ लोग मीडिया में ये बोल रहे हैं कि ये छिटपुट घटनाएं हैं, बड़ी अफसोस की घाट है, जिसके घर से कोई बहन बेटी खत्म हो गई, उनका परिवार खत्म हो गया, बेटी अनाथ हो गई, तो ये कहा जा रहा है कि ये छिटपुट घटनाएं हैं। हम इस चीज़ को बहुत ही कंडेम करते हैं कि ऐसे बयानबाजी जो है ये बड़ी ही गलत तरीके से बयानबाजी की जा रही है। कम से कम उनको ये सोचना चाहिए, जिस परिवार का एक हिस्सा, ये कि बेटी, इसकी बहू, एक माँ चली गई, उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी। आपसे जानना चाहूंगी कि कश्मीरी पंडित समुदाय के लोग जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने एक नारा ये भी दिया था कि अगर हमें ट्रांसफर नहीं किया जाता, शिफ्ट नहीं किया जाता, तो हम मास रेजिग्नेशन करेंगे। तो ये जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज है, डोगरा एम्प्लॉयज हैं, क्या ये भी इस तर्ज पर सोच रहे हैं कि अगर सरकार कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं फ्रेम करती, आपको मजबूर करती है डिपार्टमेंट में वापस जाकर सर्व करने के लिए, तो आप भी मास रेजिग्नेशन देंगे? जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज जो है इसके लिए रेडी है, हमारी जो कोर कमेटी है वो जैसा भी फैसला लेगी, जिस दिन हमको कहेंगे हम उसके लिए तैयार है। ये हमारी कोर कमेटी डिसाइड करे कब हमें क्या करना है, उसी हिसाब से जो है हमारा जो फाइनल डिसीजन वो होगा। लेकिन आप अपने मेंटली प्रिपेयर करके रखा हुआ है कि अगर सरकार नहीं डिसीजन लेती तो आप मास रेजिग्नेशन अगर देना पड़ सकता है तो देने को तैयार हैं? क्योंकि कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं जाना चाहता, अभी हालात ऐसे हैं,
जब गवर्नमेंट खुद कह रही है कि वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है इस वक्त, हर आदमी को सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती चाहे जो मर्जी कर ले, तो इस हालात में हम कैसे जा सकते हैं वहाँ पे। समझ लीजिए कि अगर टेम्पररी तौर पर आपको ट्रांसफर किया जाता है और ये कहा जाता है जब तक हालात बेहतर नहीं होते तब तक आपको सेफ जोन में रख दिया जाएगा, वहाँ पर आप सर्व कर सकते हैं, बाद में आपके बारे में सोचा जाएगा, तो क्या वो पॉलिसी आपको मंजूर है? मुझे पहले ये बताइए सेफ जोन है कहाँ कश्मीर में, अगर सेफ जोन पहले सरकार को पता होना चाहिए कहाँ पे है। अगर आप एक स्कूल में चार चार पांच आदमियों को बैठे तो सामने टारगेट हो रहे हैं, अगर एक स्कूल में आप पांच आदमियों को इकट्ठा करके डाल दोगे तो उनको घर भी जाना है, खाना भी बनाना, सब्जी भी लानी, सब कुछ करना है, वो तो सामने टारगेट हो गए। पहले हम एक या दो आदमी थे तो चलता था, अब जब उन्होंने एक ही स्कूल में सबको डाल दिया या एक ही डिपार्टमेंट कहीं भी ऑफिस में डाल दिया तो वो तो सामने टारगेट हो गए। जो तो अभी तक हम जो वहाँ पे काम कर रहे थे, वहाँ की जो सिविल सोसाइटी है, वहाँ के जो हमारे कलीग हैं उनका सहयोग था, अब वहाँ पे उनके साथ खुद ऐसा हो रहा है, चाहे वो अमरीन भट्ट थी या और कुछ, वो खुद बेचारे परेशान है इस हालात में, वो खुद तंग है, वो तो आ नहीं सकते क्योंकि उनका घर है, घर छोड़ के कोई नहीं आ सकता। अब हमारा घर जम्मू में तो हम जो है हम कोई आ गए, मतलब वो तो बेचारे परेशान, वो तो वहीं बैठे हुए हैं। आपसे समझ जाऊंगी कि आप 10-15 साल से कई सारे लोग जो हैं वो कश्मीर घाटी में ही सर्व कर रहे हैं, ऐसे में कई बार ऐसा हुआ है कि हालात खराब हुए हैं कश्मीर में, 370 के बाद कम्युनिकेशन ब्लॉकेट भी हुआ था, उसके अलावा बुरहान वानी की जब किलिंग हुई थी तब भी माहौल खराब हुआ था, इन सभी इंस्टेंसेज में भी आप जो है वो जम्मू वापस आते थे या तब आपने कश्मीर घाटी नहीं छोड़ी, लेकिन अब क्योंकि जो माइनॉरिटीज को टारगेट किया जा रहा है इसी की वजह से आप मजबूर हुए हैं कश्मीर छोड़ने पर? देखिए मैम, जब बुरहान वानी के टाइम में या कोई और जब मिलिटेंट कोई किल किया जाता था या लोकल कोई उनका अपना कोई माज एजिटेशन होता था, हम वापस आते थे, वो एक अलग तरह का माहौल था, उसमें हम सिविल्स को, हम जो जॉब कर रहे हैं वहाँ पे, टीचर्स और अन्य डिपार्टमेंट्स के जितने भी हम लोग हैं, हमें कोई तंग नहीं करता था, हम 15 साल उन लोगों के साथ रहे हैं, 15 साल उन्होंने हमें गले लगा के रखा गया, अभी भी हमारा जो रेंटेड हाउस है उन्हीं के घर में है, हमारा सामान उनके घर में पड़ा हुआ है, आज अभी भी वो हमें बोलते हैं कि आप वापिस आओ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। मैम वो तो हमें प्यार करते ही करते हैं, लेकिन आप खुद सोचिए जो 3 दिन से ये जो 3 दिन से जो सिलसिला चला आ रहा है, जिसमें ये दीपक कुमार हमारे, रजनी बाला बहन हमारी, ये जो किल किए गए हैं, इन हालात में ये बोलते हैं हम आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में मतलब कि शिफ्ट कर देंगे। मैं मानता हूँ चलो वहाँ हमें ये सिक्योरिटी देके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हमें रख भी देंगे, 15-20 आदमी रख देंगे, कोई टेंशन नहीं मैम, 8 घंटे तो हम सिक्योर रहेंगे, बाकी सिक्योरिटी मिलने वाली है, सरकार ये तो पहले पूरी पुष्टि करे इस चीज़ की। इसलिए मैम इस वक्त वहाँ पे ऐसा माहौल बना ही नहीं है अभी तक कि हम वहाँ सर्व कर सकें, इसलिए जितने भी एम्प्लॉय जम्मू बेस्ड एम्प्लॉय हैं, हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक कैटेगरी का, चाहे वो ओपन मेरिट है, चाहे वो ALC है, OBC है, हम सारे कश्मीर छोड़ के वापस आ चुके हैं। आपने साफ तौर पर सुन लिया कि जितने भी जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज हैं और इनका ये कहना है लगभग 4000 के करीब करीब इनकी तादाद है, ये मांग कर रही है सरकार से कि एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसफर पॉलिसी इनके लिए बनाई जाए। इसमें कई लोगों का ये भी कहना है कि जो 10-10, 15-15 साल से एक ही जगह पर सर्व कर रहे हैं उनके लिए तो कम से कम सरकार को सोचना चाहिए कि अब अगर समय आ गया है उन्हें किसी सेफर लोकेशन पर ट्रांसफर करने का तो उसको लेकर एक फैसला लेना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यही कि आप सेफ जोन में पोस्ट करके उन्हें कुछ समय के लिए तो गारंटी कर सकते हैं सिक्योरिटी, लेकिन कोई भी व्यक्ति अगर कश्मीर घाटी में रह रहा है, वहां पर काम कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वो रोजमर्रा की जिंदगी में बाहर तो निकलेगा, सामान खरीदने के लिए निकलेगा, पूरे टाइम आप सिक्योरिटी कैसे इंश्योर करेंगे? और अगर सरकार सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर सकती तो उनका यही कहना है कि फिर इन्हें ट्रांसफर कर दिया जाए, क्योंकि जान है तो जहान है।